आपसे फिर मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई। चौथे कंटेस्टेंट हैं भारत रत्न, जो कक्षा 6 से 10 को विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। इन्होंने अपने विद्यालय में एक हर्बल पार्क बनाया। मिस्टर भारत रत्न, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने यह पार्क बनाने के बारे में क्यों सोचा? मेरे स्कूल में एक बच्चों में प्रॉब्लम चल रही कि वो अक्सर मतलब बीमार रहते थे, जहाँ उनको इन्फेक्शन वगैरह हो जाती थी या उनको बुखार हो जाना, एलर्जी हो जानी। तो इसका हमने स्कूल में ही एक रेमेडी, एक सुधार के लिए हमने हर्बल पार्क बनाया, जिनमें बुखार वगैरह के लिए हमने गिलोय के लगाए पौधा लगाया, नीम लगाया, तुलसी लगाया। इसी तरह ही इन्फेक्शन वगैरह के लिए हमने करूंदा का एक पेड़ लगाया। और इसमें बच्चों ने भी फिर अपने लेवल पर घर से कुछ और पौधे लाने शुरू कर दिए, जिसमें जो लोकल एक पौधा पत्थर चट है वो भी इन्फेक्शन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो अपने घर से लेके आए, या कुछ और जो अमरूद वगैरह है उसके पौधे लेके आए। हर्बल पार्क के द्वारा इनके छात्रों ने प्राकृतिक तत्वों से बीमारियों को मिटाना सीखा और पौधों की औषधीय गुणवत्ता को जाना। यह कक्षा 6 से 12 के लिए उपयोगी है और यह विज्ञान के विषय में लागू किया जा सकता है। हालांकि पार्क बनाने की प्रक्रिया में बच्चों ने विज्ञान के अलावा भी कई जानकारी पाई। इसे बनाने के लिए आवश्यक चीजें हैं विभिन्न पौधे, जैसे गिलोय, नीम, तुलसी, पत्थर चट, करुंदा, मेथी, पालक, प्याज, धनिया व अन्य सब्जियां, खेती में काम आने वाले उपकरण और जैविक खाद। भारत रत्न ने इस पार्क में मिड डे मील में काम आने वाली सब्जियां भी उगाई। यह पौधे या तो बच्चे गांव से लेकर आए या उन्होंने पास में उपलब्ध नर्सरी से मंगवाए। और आज की डेट में वो जो हर्बल पार्क जो एक छोटी शुरुआत थी, एक बहुत बड़ा पार्क बन चुका है, जिसमें समय समय पर अब और भी सुधार करके और भी फल वगैरह या और सब्जियां वगैरह भी लगाएंगे, ताकि स्कूल लेवल पर ही हमें मिड डे मील में भी सब्जियां जो है अवेलेबल हो सके। पौधों के नाम सिखाने के लिए उन्होंने हर पौधे के साथ एक लकड़ी के फट्टे में उसका बॉटनिकल नाम लिखा। उन्होंने पाया कि बच्चे पौधों के गुण यानी प्रॉपर्टीज को समझने में रुचि रखने लगे, वे सहयोगी भावना से काम करने लगे और पार्क को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी रखने लगे। और इसके साथ साथ बच्चों को भी कुदरत में मौजूद जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, जिसे हम घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, उसके बारे में उनको एक इंफॉर्मेशन मिली, एक नॉलेज मिली। और वो अब कोई छोटी मोटी बीमारी के लिए अपने लेवल पर ही इनको यूज करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह आइडिया पसंद आया तो इसके लिए जरूर वोट करें। सभी वीडियोस देखने के बाद ऊपर दिए गए ऑप्शंस में 3 मनपसंद आइडियाज चुनिए। याद रखिए कि आप 3 से अधिक आइडियाज के लिए वोट नहीं कर पाएंगे। आपके वोट के आधार पर हम चुनेंगे टॉप 3 विजेता, जिन्हें हम भेंट के तौर पर देना चाहेंगे स्मार्टफोन्स। तो जल्द ही अपने मनपसंद आइडिया के लिए वोट करें।